नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु बापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम रे गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि और से सब तमाम खबर पर आलोचना करबा किंतु प्रथम नजर पकाइ नबा आज रे बड़ खबर पर आसबा प्रथम बड़ खबर को सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर रे आलोडन गत 5 वर्ष तले प्रेम विवाह करथिबा रंजित प्रसाद एवं अल्पना सिंह स्थानीय टी कॉलोनी B6 घर 4 मास तले भड़ा रही आसथिले किंतु गत 3 दिन हेबो घर बंद थिबा बेले घर पाखर दुर्गंध आसीबारु स्थानीय पड़ोसी पुलिस को खबर देबा परे राजगांगपुर एसडीपीओ विजय नंद आईएसी गोकुलानंद साहू सुंदरगढ़ एसपी सौम्य मिश्र साइंटिफिक टीम एवं मजिस्ट्रेट रीना कुमारी नायकों उपस्थित रे कबाट भांगी घर भितर स्वामी स्त्री सहित दुई शिशु कन्या सहित शिशु पुत्र गलित शव जबत कर शव व्यवच्छेद डाक्तरखाना को पठाई तेरे उक्त घटनार तदंत जारी सूचना आगलपुर ब्लॉक नौगां ग्रामर मंडी दीर्घ दिन है झुली रही ताला मस मस पड़ रही धान बारंबार अभियोग कले सुफल होना आज मुख्य फाटक चाषी रुंड हो आसंता सोमवार दिन बलांगीर गस्त कर एक राली कर अनुषण में बसवाई निष्पत्ति सेपरि बलांगीर जिला गुड़फला ब्लॉक अंतर्गत लुकी ग्राम से बहु वर्ष धरी चली विराट धनुजात्रा महोत्सव उद्यापित होती उक्त कार्यक्रम 5 दिन धरी चली कंस दरबार बहु आकर्षण होता विशेषकर कंस महाराजों दरबार में नेता ठार आरंभ कर अफिसर मानक दायित्व अवहेला कले राजदंड महाराजा कंस दंडित करते उक्त कार्यक्रम में पंडित रामकृष्ण पुरोहित पूजा विधि करे श्री मनोज प्रधान कर्ता दायित्व तुलाई बरगढ़ जिला पद्मपुर में आज 26वां सर्वभारतीय बड़ासंबर क्रिकेट कप महासमारोह उद्घाटित होती उद्घाटन समारोह पद्मपुर उपजिलापाल तन्मय कुमार दरवान मुख्य अतिथि और उपखंड पुलिस अधिकारी प्रदीप साहू सम्मानित अतिथि भाव में योगदान कर टूर्नामेंट को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते चलित वर्ष यह टूर्नामेंट राज्य तथा राज्य बाहर बछा बछा 8 दल भाग नेबले आज उद्घाटन मैच ब्लू डायमंड बरगढ़ सेल रांची मध्य अनुषित होता टूर्नामेंटर फाइनाल खेल आसंता 19 दिन खेल जा निष्पत्ति सेक्रेटरी भरत पंडा बरासमर स्पोर्टिंग 26वां बरासमर कप एथर आम राज्य राज्य बाहर टोटाल 8 दल होती आम विनर प्राइज एथर 60,000 रनर्स अफ 40,000 रखीचु प्राइज सब मैच आम मैन अफ दि मैच दि जाए फाइनाल बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बोलर सब बेस्ट विकेट कीपर मैन अफ दि सीरीज सब दे बरासमर क्लब को आगे नापी आम बरासमर स्पोर्टिंग सदस्य वृंद से माने बहुत भल भाव ऑर्गेनाइज करछंती आ देखा जाइछि जे एही फील्ड रे बा एही बरासंबर क्लब कप रे बहुत प्लेयर्स खेल खेलछंती रूरल एरिया रो आसी से माने तांकर खेल प्रदर्शन करछंती एवं स्टार प्लेयर्स भी हे छारछंती आ मु भाबुछि ए वर्ष भी बहुत सुंदर करि हबो आ आसंता वर्ष मानकर एही गेम रो निश्चय इम्प्रूवमेंट हबो कप रो मध्ये इम्प्रूवमेंट हबो ब्रह्मपुर सीएस सपक्ष राली रे केंद्रमंत्री बाबुली सुप्रिय नागरिक संशोधन आईन संपर्क में जन सचेतनता उद्देश्य से गंजाम जिला बीजेपी पक्षर एक जनजागरण कार्यक्रम अनुष्ठित होता ब्रह्मपुर में गंजाम जिलार प्राय हजार हजार बीजेपी कर्मी एकाठी हो सीए पक्ष जनमत संग्रह राली रे शामिल होते राली रे केंद्र जंगल एवं परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन राष्ट्रमंत्री बाबुल सुप्रिय मध्ये जोग देते अवसर में केन्द्रमंत्री मुख्यमंत्री नवीन को प्रशंसा करने देखा मिलता बाबुल सुप्रिय कहते नवीन होशर श्रेष्ठ नेता से सबुले शांति रही था निर्वाचन में विजय को नहीं नवीन कदापि विचलित हो ना कंग्रेस हो कि तृणमूल कंग्रेस अथवा वाम दल से राजनैतिक भाव देवाया हो गल पाखे सरकारी विरोधी आ कौन प्रसंग ना तेणु से सीए विरोध में अपप्रचार करक्तव्य रखिंट बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया देना अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से आज भारी मात्रा में ये एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक रैली हो गया जो लोगों ने अपने मन से ये दिखा दिया कि सीए को वो लोग किस तरीके से समर्थन करते हैं। भारत जो है हमेशा उड़ीसा में बांग्ला में हमेशा हम बोलते हैं कि अतिथि नारायण है और ये लोग पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से निपीड़ित होकर अपने धर्म के कारण पीड़ित होकर माँ बहनों के साथ क्या क्या अत्याचार किया गया क्या तकलीफ उनको झेलना पड़ा सब कुछ छोड़ के वो भारत भाग आए हैं। अगर उनको भारत शरण नहीं देगा तो कौन देगा। तो ये जो झूठ फैला रहे विपक्ष जो है झूठ फैला रहे इनको करारा जवाब ये एक एक रैली की तस्वीर जब लोगों के पास पहुंचेगी पहुंच रही है अलग अलग जगह पे कितनी बड़ी रैली हो रही है ये ममता बनर्जी क्या कह रही है और केरल में क्या कह रहे हैं इसका कोई बेस ही नहीं है क्योंकि कुछ देखिए ममता बनर्जी वही करती है संविधान में जो भी चीज़ है उनका विरोध करते हैं होबे ना करती रहती है और उनकी हरकत देखिए क्या क्या करती है कभी घंटा बजाती है कभी काका छींक छींक आती है पूरी चीज़ को जोक बना दिया है और संविधान
ममता बनर्जी या किसी भी चीफ मिनिस्टर को ये क्षमता देती नहीं है कि वो ये कहे कि पार्लियामेंट में पास हुआ सेंट्रल लिस्ट का कोई बिल को वो अपने राज्य में उसे नहीं मानेंगे, ऐसा क्षमता उनको देती नहीं है। लेकिन वो अगर समझते हैं कि वो भारत के शहनशाह बन के बैठी हुई है तो उनकी गलत फहमी है। और लोग बंगाल में जब नड्डा जी आए थे और जब वहाँ पर रैली हुई थी, ममता जी का 20 रैली के लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, डरा डरा के लोगों को लेके आ रहा है, फिर भी 20 रैली को साथ में करेंगे तो भी नड्डा जी के रैली में जितने लोग हुए थे उसका आधा भी नहीं होगा। ढेंकानाल जिला बड़सुआल पंचायत हाटवारी ग्राम से निहां लागि जली जाइछि 40 एकर आखु फसल, 10 जन चाषी आखुपाड़ी निहां लागि जीवारु निमिषक मध्य सबकिछि जली जाइछि। खबर पाई कामाख्या नगर अग्निशम बाहिनी गाड़ी घटनास्थल में पहुंचि निहां को आयत्त करथुवा समय अग्निशम बाहिनी गाड़ी मध्य निहां लागि जाइथिला। दमकल गाड़ी रे चक्रे निहां लागि जीवारु निहां लिबा कार्य रे बाघा सृष्टि होइथिला। भुवनरु अन्य एक अग्निशम बाहिनी गाड़ी आसी पहुंचिबा परे निहां को आयत्त करा जाइथिला। अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट थिबा बेले प्राय 10 लाख टंकार आखु फसल पोड़ी पाउस होई जाइछि। आखु फसल पई दिया जाइथिबा बाडरे कि दुर्बुते निया लगे दिथाय परली संदेह करा जाउछि। तबे ग्रामरे सबु चाषी माने बैंक एवं संघ गुडी कुर ऋण करी आखु फसल करथिले। अमल हेबा समय रे एपरि जळि जिबा चाषी मानको पई चिंतार विषय पलटिछि। ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर में विद्युत सरबराह संस्था सेसु विरोध में जनसंतोष देखा मिली। कामाख्या नगर विद्युत उपभोक्ता संघर आवाहक अयोध्या शतपथी सभापतित्व में कल्पना क्लब में कामाख्या नगर विद्युत उपभोक्ता मानक नहीं एक सभा अनुषित होता। कामाख्या नगर प्राय 100 ऊर्ध विद्युत उपभोक्ता जोगद सेसु विरोध में सामान असंतोष जाहिर करते। जोर जबरदस्त बके आदया मनइच्छा फाइन करवा मानसिक चाप पक ढेंकानाल विद्युत थाना को नहीं हईराण हरकत करने भाई कार्य को तीव्र निंदा कर। पवित्र कुमार विश्वाल कामाख्या नगर विद्युत उपभोक्ता संघर संयोजक आज एक जरूरी बैठक था करी निष्पत्ति नेलु जे सेसु जो प्रकार भाव रे लोक मानकु जंत्रणा दे जबरदस्त पैसा आदाय करिबा एवं लोक मानकु ढेंकानाल इलेक्ट्रिक थाना को नहीं शोषण करिबा ता विरुद्ध रे जन असंतोष दिन कु दिन बढ़िबा परे परे आज आम एक जरूरी बैठक कामाख्या नगर उपभोक्ता मानक डक एक कल्पना क्लब ठारे गोटे जरूरी बैठक नेलु एवं निष्पत्ति कलु आसंता काली सब कलेक्टर कामाख्या नगर को एक मेमोरांडम मुख्यमंत्री पाखक पठेबू एवं आगामी 7 दिन में जदि सरकार सेसु यार पुनर्विचार न करे कामाख्या नगर उपभोक्ता संघ निश्चिंत भाव एक आंदोलन को ओल्लैब बोली राज्य सरकार अभिनव प्रयास नुआ ओडिशा गठन में आउ एक बड़ पदक्षेप साधारण जात्री एवं बाटोई पई तयारी करिसेंती अत्याधुनिक पथप्रांत सुविधा केन्द्र तत्सहित डिजिटल ढांचा निर्माण करा जाइछि उपजिलापालक कार्यालय बिल्डिंग। ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर ब्लक महुलपाल गढ़ी उठी अत्याधुनिक पथप्रांत सुविधा केन्द्र। प्राय 1.5 कोटी टंका व्यय निर्मित यह पथप्रांत सुविधा केन्द्र टी पार्किंग विश्रामगार पानी जल शौचालय भली सुविधा उपलब्ध रही जहाँ साधारण बाटोई और जात्रीों पर सुविधा जोगे दीजिए। आज ये कामाख्या नगर ठारे पथप्रांत सुविधा केन्द्र उद्घाटित यार खर्च होची 1.5 कोटी टंका एथिरे जो साधारण लोक मैंने साधारण तो यात्री जाउछंदी बस रे जाउछंदी अन्यान जाउछंदी से माने टिके आसिले तांकर धर टॉयलेट जिबे अन्यान जिबे टिके जलखिया करिवे ए भली व्यवस्था एथिरे व्यवस्था रखाइछ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 50ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ୟା ପୂର୍ବରୁ 45ଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମଡ଼େଲ ଭାବରେ ହେଇଛି ଯାହାର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ଯେଭଳି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଇଏ ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅସମୟର ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଝାଡ଼ାଝପଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ମଝିରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାମଲ, ସୁପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଢେଙ୍କାନାଲ ଆର୍ଏନ୍ବି ସର୍କିଲ। ଆଜି ଏ
କାମାକ୍ଷା ନଗର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତଥା ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଢେଙ୍କାନାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏଇ ଏଇଟା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ୟା ଉପରେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ତା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।